फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे परवल पोस्तो। परवल पोस्तो बनाने के लिए हमको रही होगा परवल, जो मैंने ऐसे करके छील के कट कर लिया है दोनों साइड से, और चिली, ये है टर्मरिक, ये है सॉल्ट, ये है घिसा हुआ नारियल, ये है कलंजी और ये है पोस्तो। बस यही चीजों से हमारा बन जाएगा परवल पोस्तो। और हम इसको इसके लिए यूज करेंगे रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल। अभी हम हमारे ये परवल को थोड़ा सा नमक देके इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के टाइम हमको ढक के फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होना भी जरूरी है। हम अभी हमारा गैस को ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हम इसके लिए मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें हमारा परवल को छोड़ देंगे। परवल को धीरे धीरे छोड़ के हम इसको ढक के धीमे आंच में पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए पूरा। अभी हम इसको स्लो करके ढक के रख देंगे, धीरे धीरे इसको पका सॉफ्ट करके पका लेंगे। मिक्सी में हमको ये खसखस और नारियल को पीस लेना है अच्छी तरीके से। अभी हम पीस लेते हैं। अभी हम इसको पलट देंगे, ऐसे गोल्डन गोल्डन हो जाएगा हमारा परवल दोनों साइड से, अच्छे से गोल्डन एंड सॉफ्ट हो जाएगा, तो रेडी हो जाएगा बनाने के लिए। अभी हम फिर से इसको ढक के रखेंगे सॉफ्ट होने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा परवल इतना रेडी है, एकदम पूरा रेडी हो गया है। घर पे कोई भी सब्जी नहीं है तो आप जस्ट परवल से ही फटाफट यम्मी टेस्टी ये बना सकते हैं। आप घर के ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अभी हम इसमें हमारा कलंजी जो होता है वो डाल देंगे। कलंजी बहुत ही अच्छा है, कोई भी दर्द के लिए आप कलंजी को भरता भी खा सकते हो। अभी हम डाल रहे हैं हमारा जो पेस्ट था नारियल और खसखस का, वो हम डाल दे रहे हैं। ये करने के टाइम आपको थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत होगा पेस्ट करने के टाइम, तो आप अपने हिसाब से वो पानी ऐड कर लेना। ये नारियल और खसखस का पेस्ट है, खसखस को बहुत जगह पे पोस्तो भी बोलते हैं। अभी हम ऐड करेंगे मेरा सॉल्ट एंड टर्मरिक, फिर हम इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें से जब ऑयल निकल के आएगा तब हम हमारा परवल को डाल देंगे। ये ऑयल छोड़ने लगा है, हमने हमारा चिली भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसमें हम हमारा परवल भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। घर पे आप ये बनाएंगे तो सब लोग इससे ही खाना खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे।
हम देख सकते हैं हमारा परवल फुल्के बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और थोड़ा सा हम लोग ग्रेवी इसका कम करते हैं क्योंकि सूखा सूखा ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपके हिसाब से इसका ग्रेवी कर ले, एडजस्ट कर लेना आपको कितना चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा शुगर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आपका जो नारियल है वो भी मीठा होता है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमारा परवल पोस्तो बन के पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, जस्ट थोड़ा सा बस। अभी ये पूरा रेडी हो गया। अभी आप देख सकते हैं हमारा परवल पोस्तो बन के पूरा रेडी है। बहुत ही यम्मी लगता है, आप जरूर इसको घर पे ट्राई कीजिए। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए कैसा लगा, अच्छा या बुरा जो भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही टेस्टी होता है, ट्राई जरूर कीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू।